10 जुलाई को एनकाउंटर में मारा गया उत्तर प्रदेश का कुख्यात आरोपी विकास दुबे लगातार चर्चा में बना हुआ है। विकास दुबे के अंतिम संस्कार पर पहुंची पत्नी ऋचा मीडिया पर भड़कते हुए ये कहती हुई सुनाई पड़ी, जरूरत पड़ी तो बंदूक भी उठाऊंगी, एक एक को सजा भी दूंगी। पर अब इन सबके बीच में ऋचा दुबे को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। ऋचा जो कुछ समय पहले तक अपने पति की तरफदारी कर रही थी, अपने पति का पक्ष लिख रही थी, वही ऋचा अब यहाँ पर अपने पति की बुराइयाँ बताती हुई, पति के अपराधों पर से पर्दा हटाती हुई सुनाई पड़ी है। मीडिया के सामने आई है ऋचा दुबे और सामने आकर ऋचा ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको इसकी जानकारी देते हैं। ऋचा दुबे ने अपनी और विकास की शादी के बारे में बातचीत करते हुए बताया, विकास के घर यानी अपने ससुराल मैं कभी नहीं जाना चाहती थी, वहां मुझे जबरदस्ती लेकर जाया जाता था। मैंने कभी भी विकास के परिवार वालों के साथ बहुत ज्यादा मेल जोल बढ़ाने की कोशिश नहीं की क्योंकि मुझे उनका रहन सहन पसंद नहीं था। विकास दुबे की पत्नी कहती है, विकास मेरा पति चरित्र का गंदा नहीं था, वो जिद्दी था, गुस्से वाला था, मगर चरित्र का गंदा नहीं था। एक पत्नी से ज्यादा पति का चरित्र और कौन जान सकता है। बिक्रू शूटआउट पर ऋचा ने कहा, ये दंडनीय है, टीवी पर न्यूज देखकर मुझे पता चला अब एक छत के नीचे हम नहीं रह सकते, ये काफी ज्यादा भयानक अपराध था, 200 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ। उस रात जब विकास को 5 घंटे पहले की खबर मिल चुकी थी कि पुलिस उसे पकड़ने आएगी तो वो 10 मिनट के लिए वहां से हट सकता था, बाद में अपनी बात कानून के सामने रखता, मगर वहां जो हुआ उसने जो किया वो भयानक अपराध था। विकास दुबे का एनकाउंटर, इस सवाल पर ऋचा ने कहा, मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है, जो फैसला कोर्ट देगी मैं स्वीकार करूंगा, पुलिस ने कोई गलत काम नहीं किया, पुलिस ने ठीक किया, जो विकास ने किया उसकी सजा उसे मिल गई। आपको बता दें विकास दुबे की करोड़ों की संपत्ति लगातार चर्चा में है। इस सवाल के जवाब में ऋचा ने कहा, मैं अपने पति की संपत्ति के बारे में कुछ नहीं जानती, अगर करोड़ों की संपत्ति प्रॉपर्टी होती तो क्या मैं 1600 फीट के मकान में रहती, कहीं विदेश में रह रही होती, इसलिए संपत्ति के बारे में जो भी दावे किए जा रहे हैं सब झूठ हैं, सब गलत हैं। आपको बता दें गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी ऋचा कई टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू दे रही है और हर इंटरव्यू में यही बता रही है कि उसके पति ने जो भी किया गलत किया, अपराध उसके पति ने किया है और इस अपराध की सजा उसे मिलनी ही चाहिए थी। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।